हेलो गाइस, दिस इज़ मजीद एंड यू आर वाचिंग हाउ टू मजीद यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड के उस प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि आप कंप्यूटर के अंदर रन कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी अच्छे ग्राफिक्स कार्ड और बगैर किसी अच्छे पीसी के। अगर आपका पीसी ओल्ड है तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास एंड्रॉयड एनडी सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो वो एक अच्छी स्पीड के साथ रन करेगा और आपकी अच्छी गेमिंग आप परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको नहीं पता किस तरह का सॉफ्टवेयर है या क्या इंटरफेस है तो एपिसोड को लास्ट तक देखें, इसमें मैं तमाम वो चीज़ डिस्कस करूँगा। और इसके आने वाले एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कंप्लीट रिव्यू आपको प्रोवाइड करूँगा कि किस तरह का सॉफ्टवेयर है और किस तरह आप इसको ईजिली यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप पबजी भी खेल सकते हैं, स्क्वाड 9 लेजेंड्स खेल सकते हैं और जितने भी हैवी ग्राफिक्स वाली गेम्स हों ईजिली आप इसमें प्ले कर सकते हैं, वो भी बगैर आपको किसी भी GFX टूल या फिक्सिंग के या कोई भी मेथड हो, आप इसको इजी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर यूज कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें। तो वीडियो की जानिब चलते हैं। देन व्यूअर्स, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं तो अभी हमें इंस्टॉल करना है एंड्रॉयड। तो हमें करना पड़ेगा अपना ब्राउज़र ओपन। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें सिंपली ओपन करना है google.com को। google.com ओपन करेंगे तो हमें एक सर्च बार मिल जाएगी इस तरह की और वहाँ पे हम सिंपली एंटर करेंगे एनडी और ये हमें एनडी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा जहाँ से हम एनडी को इंस्टॉल करेंगे या डाउनलोड लिंक हमें मिलेगी या हमें डाउनलोड लिंक मिल जाएगी जिसके ज़रिए हम इसको डाउनलोड कर पाएंगे एनडी को। तो इस तरह का वेबसाइट का इंटरफेस है। एक दफ़ा डाउनलोड क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो करेगा। तो जो ऊपर वाला एनडी का डाउनलोड है, आप ये वाला जो डाउनलोड आपको दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड लिंक IDM के ऊपर दे देगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड आप वेट करने के बाद ये आपको डाउनलोड लिंक के ऊपर ले जाएगा। तो आप डाउनलोड लिंक क्लिक करने के बाद इसको स्टार्ट डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपने वेट करना है जब तक ये डाउनलोड करता है इस फाइल को जो कि 855 MB की है राउंड अबाउट। और इसको तब तक हम वीडियो करते हैं पॉज और उसके बाद जैसे ही तो गाइस जो हमारा एनडी है वो इंस्टॉल डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद हम इसको करते हैं ओपन। तो एक इंटरफेस देगा, आपने एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल करने के बाद इसको कर देना है ओके और वेट करना है जब तक ये इंस्टॉल होता है। तो भाई अब हम इसके इंटरफेस की बात करें तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है बाकी एमुलेटर्स के थ्रू, क्योंकि हम इसको सिंपली एक्सेस कर पाते हैं विदाउट एनी लोड के, हमारे कंप्यूटर पर बर्डन नहीं पड़ता। इसके ज़रिए हम इनसे अपने ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर पाते हैं और यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि मैंने ब्लू स्टिक्स किया, वो काफ़ी हैवी है, वो काफ़ी हाई एंडिंग पीसी के ऊपर ऑप्टिमाइज होकर वर्क करता है और हमारे सिस्टम के GPU को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है। उसकी जगह के उसकी स्पीड स्लो होती है, इसकी स्पीड काफ़ी मुझे देखने में अच्छी लगी है कि आप एक नॉर्मल जैसे कि एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं इस तरह की आपको स्पीड प्रोवाइड करता है। इसके इंस्टॉलेशन में बेसिक जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर यूज़ हैं इंस्टॉल विजुअल C++ हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर जो कि इसको जो ऑप्टिमाइज या रन करने के लिए इसके रिक्वायरमेंट है जो कि खुद इंस्टॉल करेगा जो कि आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट देगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा है मुझे इसका इंटरफेस और इसकी वर्किंग। और अगर आप देखें इसका इंटरफेस तो ये एक मोबाइल की नुमा आप कंप्यूटर में डेस्कटॉप की जगह पे वर्क करते हुए मिलेगा। तो हम करते हैं वेट जब तक ये अपना इंस्टॉल करता है। तो वैसे बात करें इस एंड्रॉयड के तो ये एंड्रॉयड 7.0 नगेट के साथ आपको देखने को मिलेगा अपने कंप्यूटर के अंदर एक टैबलेट की फॉर्म में, कि एक टैबलेट जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं अपने हाथों में इस तरह ये आपको कंप्यूटर में इंटरफेस शो करेगा। अपने टैबलेट की तरह इसको आप यूज़ कर टैबलेट और मोबाइल की तरह आप इसको अपने कंप्यूटर या PC में यूज़ कर सकते हैं, वो भी ईजिली बगैर किसी रुकावट के और विद ईजी मेथड्स। तो भाई जो मेरा एनडी है वो तकरीबन इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे ही इंस्टॉल होता है तो हम इसका इंटरफेस चेक करेंगे कि किस तरह का इंटरफेस हमें शो करेगा और क्या हमें उसको देखने को मिलता है अपने एनडी को अपने कंप्यूटर के अंदर, वो भी बगैर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किए अपनी विंडो के अंदर एंड्रॉयड का इंटरफेस, वो भी एनडी सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो
इसको हम ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें स्टार्टअप में दिखाएगा। ये फर्स्ट टाइम ही आपको कुछ लोडिंग में टाइम लेगा, बाकी आपने उसके ऊपर कोई फिक्र नहीं करनी है, चिंता नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी है आपने। जब ये लोड लेगा तो जैसे ही अपना एक दफ़ा ओपन हो जाएगा तो सिंपली ये डाटा कुछ फेच कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करेंगे तो ये फास्ट मोड में ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का देखें आप इंटरफेस, जिस तरह के आप अपना टैबलेट यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सेम थिंग वो आपको इंटरफेस दे रहा है। क्या उसको स्मॉल कर सकते हैं, बिग कर सकते हैं, इसको आप फुल स्क्रीन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब देखे जाए तो इसको हम टोटली ओवरऑल इस तरह का अगर इंटरफेस देखें, और हम इसके ऊपर गेम्स प्ले कर सकते हैं, एंड्रॉयड की फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप तक इसके ऊपर हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आपने किसी किस्म का फिक्र नहीं करनी, चिंता नहीं लेनी। तो ये जो हमारा एंड्रॉयड एंडी का है वो अपने डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा डेवलप किया गया है अपने व्यूवर्स के लिए, यूज़र्स के लिए। तो ये जो हमारा एंड्रॉयड है वो कुछ स्टार्टिंग में टाइम लेता है, जैसे कि हमारे एंड्रॉयड डिवाइस, जैसे हम किसी भी बॉक्स के अनबॉक्सिंग करने के बाद उसको ऑन करते हैं, जिस तरह का इंटरफेस हमें शो करता है, ये उसी तरह का एक एंड्रॉयड हमें देखने को मिल रहा है। ये होम बटन है और साथ में एक बैक और मेन्यू वाला बटन मिल जाएगा। इसके अंदर आप गेम्स प्ले सकते हैं, देखिए ये गेम पैड्स का ऑप्शन देखता है, लोकेशन देता है, माइक इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पीसी के साथ अटैच होगा। और ये देखें ये ऑलरेडी एंड्रॉयड की अपडेट खुद ब खुद डाउनलोड कर रहा है। ये वैसे हमारे पास एंड्रॉयड 7.0 नेगेट है, 7.1, और अगर हम इसका बाकी इंटरफेस देखें तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इस तरफ मेन्यू में देखें तो ये हमें एनोटेशन का भी और ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। मैं वैसे इसको इस तरह यूज़ करने के लिए यूज़ करता हूँ, तो इसको आप फुल होल स्क्रीन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा एंड्रॉयड इंस्टॉल होने के बाद रन कर चुका है प्रॉपरली, तो भी हम इसको देखते हैं कि इंटरफेस छोटा सा जो हमें मुतमिन कर पाया तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर अपने गोटिट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये गोटिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आप इसको फुल एक्सेस कर पाएंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो लेट्स मूव ऑन गोट इट। तो कुछ लोग मेन्यू ओपन करते हैं, मेन्यू में कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखेगा। तो फिर मेन्यू में जाने के बाद सेटिंग्स ओपन करते हैं, तो सेटिंग्स ओपन करने के बाद ये आपको इंटरफेस देगा। तो इसके हम देखते हैं स्टोरेज की, कितनी स्टोरेज हमें देखने को मिलती है एंड्रॉयड एंडी के अंदर, तो जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो 64 GB होगी अप्रोक्सीमेटली। ये कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने के बाद ये हमें 60 GB तक हमें अलॉट करेगा कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं एनडी के अंदर। तो ये 7.1 के साथ आपको मिलता है यूज़ करने के लिए। और इसके सिस्टम अपडेट चेक करें तो ये खुद ब खुद डिटेक्ट करता है अगर इस वर्जन के ऊपर एंड्रॉयड की कोई अपडेट आई होगी। तो ये सिस्टम इज़ अप टू डेट, फिर भी वो चेक कर रहा है। तो देख सकते हैं अपडेट डेट 5 अक्टूबर 2017 को ये उसने अपडेट किया था, बरहाल हम तो उसको 2018 में देख चेक कर रहे हैं। तो अब आपको देख सकते हैं इस तरह का सारा इंटरफेस, जिस तरह का एक टैबलेट का होता है उस तरह का आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। इसका प्ले स्टोर ओपन करते हैं, तो इधर हमें अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। जैसे ही आप जीमेल आईडी अपनी लॉगिन करेंगे तो ये आपको फुली एक्सेस दे देगा प्ले स्टोर का, जिस तरह के मोबाइल स्टोर के ऊपर होता है। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो काफ़ी इसका अच्छा इंटरफेस है। इधर आपने सिंपली अपना ईमेल एंटर करना है, ईमेल एंटर करने के बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका जो प्ले स्टोर में अकाउंट है वो लॉगिन कर देगा। तो गाइस प्ले स्टोर लॉगिन हो चुका है हमारा, तो प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो ये देखें आपको इंटरफेस वो देगा जो आपके मोबाइल का आपको देखने को मिलता है। देखें ग्रीनिश में ऊपर वाला मेन्यू, टाइटल मेन्यू और बाकी ये एप्स जो भी आप इंस्टॉल करना चाहें। तो ये कुछ एप्स एंड्रॉयड के मशहूर मशहूर जो पॉपुलर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जो हिटमैन स्नाइपर है, ऑफ जा रही थी, मैंने इसको बाइक कर लिया था,
अगर आप बाय करना चाहें तो अभी भी 80% ऑफ पे जा रहा है, तो आप इसको बाय करें तो आपको एक अच्छी प्राइस में मिल जाएगा अगर आप एडवांस स्नाइपर अच्छे से खेलना चाहते हैं तो। इसके अंदर आपको मैप्स मिल जाते हैं, गूगल प्लस मिल जाता है, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे आपको ऑप्शंस इंस्टॉल मिल जाते हैं। तो इसको देखें, आप जितना मर्जी छोटा करके यूज़ कर सकते हैं, वो भी अपने PC के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे जो आज का वीडियो है वो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको इसकी इंस्टॉलेशन में किसी भी किस्म का इशू मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी वीडियो में किसी भी अच्छे टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।